ये देखिए व्यूवर्स, इस ईद पर आप ये डबल का मीठा आप अपने गेस्ट को खिलाइए तो सब लोग आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहेंगे। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए ईद स्पेशल डबल का मीठा की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे हम सेवैयों से बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले व्यूवर्स, हमने दूध को बॉईल कर लिया है। देखिए, ये हमने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया। अब हम इसे हल्की आंच पे धीरे धीरे इतना पकाना है कि ये हमारा गाढ़ा हो जाए, यानी कि हमें रबड़ी तैयार करनी है। तो ये हमने अलग पैन में ले लिया खुले बर्तन में ताकि ये अच्छे से हमारा ये खूब इसे हमें गाढ़ा थेक बनाना है तो बॉईल करना है इसे अच्छे से। और दो तीन बॉईल ले लेते हैं और हल्का हल्का सा बीच में हमें इसमें स्पून को स्टर करते रहना है ताकि ये जले नहीं नीचे से। देखिए, बार बार इसमें बॉयल आता रहेगा। लो फ्लेम पर करना है और इसमें हमने 2 to 3 pinch हमने सैफरन डाली, यानी ज़ैफ़रान जो होती है। ये देखिए, इससे अच्छा सा कलर आ जाता है रबड़ी का हमारा, जैसे रसमलाई बनती है। और इसमें 1/2 cup हमने चीनी डाली है। तो देखिए, पकते इसे काफ़ी टाइम हो गया है, देख सकते हैं 5 से 8 मिनट हो गए हैं। थोड़ा अभी और थिक हो रहा है, थोड़ी मलाई आनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमें ये लगे नहीं तो हम इसे बीच बीच पर चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, 7-8 मिनट बाद हमने इसे देखा है काफ़ी अच्छा थिक हो गया है। अब देख सकते हैं मलाई भी आने लगी है, लेकिन हमें अभी इसे और पकने देना है। इतने हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं व्यूअर्स। तो हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने बिल्कुल 1/2 cup जो होता है पानी डाला है। इसकी हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा हमें 2 तार की चाशनी नहीं, बस 1 तार की चाशनी चाहिए। तो इसके अंदर हम 4 to 5 tablespoon चीनी डालेंगे। तो ये हमने इसमें चीनी डाल दी है और इसको हमें कलर करने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा सैफरन यानी ज़ाफ़रान भी डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें 2 pinch food color जो होता है ऑरेंज फूड कलर वो डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसमें सेवैयाँ पकानी है। तो सेवैयों के लिए हम ये चाशनी तैयार कर रहे हैं व्यूअर्स। ये देखिए, कलर डालते ही इसका कलर ऑरेंज सा हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। या आपकी चॉइस, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये हमारी चाशनी हमें पकानी है, अभी 8 से 10 मिनट हमारी पकेगी, क्योंकि ये हमें थोड़ी गाढ़ी करनी है। और भी बस ये देख सकते हैं काफ़ी पकते पकते ये थोड़ी देर हो गई है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसको भी साइड पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम एक पैन में देसी घी लेंगे। तो 2 tablespoon के अराउंड हमने ये देसी घी लिया है। और ये देखिए, सेवैयाँ जो होती हैं वर्मीसेली इन्हें बोलते हैं, तो ये सेवैयाँ हमें लेनी है। तो जो कि 250 ग्राम का पैक आता है, तो इसको हमें तोड़ के अच्छे से क्रश कर लेनी है हाथ से ही। और इसको हमें रोस्ट करनी है घी में, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो वो कच्ची लगेगी ही, तो इसे हमें भूननी होती है। तो इस तरीके से हमें इसको भूननी है घी में। 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको रोस्ट होने में घी के साथ। और ये देख सकते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छे से ये रोस्ट हो गई है, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हमें वो चाशनी वाला पानी डाल देना है। डालते ही देखिए किस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पानी और डाल देते हैं। और ये देखिए, ये पकते पकते से इसे हिलाना है ताकि ये लगे नहीं। ये लो फ्लेम पर कर रहे हैं व्यूवर्स, आप याद रखिए कि 10 मिनट में व्यूवर्स ये हमारा डबल का मीठा बन जाता है। देखिए, अच्छे से सेट हो गई है। स्पून से हमने इसे क्रश कर लिया है, साइडों से भी इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं अच्छे से। हमें इसको बिल्कुल ऐसे ही चपाती की तरह बना लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें कर लेना है इसकी कंडीशन। और इसे स्पून से हम इसे स्प्रेड करते रहेंगे और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए सिमर करेंगे। 2 मिनट बाद देखा है हमारी सेवैयाँ अच्छे से पक गई हैं, कड़क भी नहीं है, ये सॉफ्ट हो गई हैं व्यूअर्स। तो बस यहाँ पर हम फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी रबड़ी भी जो है वो काफ़ी अच्छे से पक गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से थिक हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ये देखिए, ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। रबड़ी को आप चाहे तो ठंडा कर सकते हैं फ्रिज में, लेकिन हमने इसे थोड़ा पंखे के नीचे ही ठंडा होने रख दिया है ताकि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। और ये हमारी सेवैयाँ भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गई हैं, पक गई हैं। अब हम इसे ट्रे में वगैरह में निकाल लेते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं वैसे भी, बस कुछ ऐसी आपको मर्जी कटिंग हो, उसके साइड्स हम कट कर लेते हैं और थोड़े हम इसे बीच में से स्क्वायर कर लेंगे ब्रेड की तरह, और जो भी शेप आपको पसंद हो वैसे कट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने पिज्ज़ा स्टाइल में कट किया है, तो इसको इस तरह कट करके तो इसको हम डेकोरेट करेंगे और इसको सर्व करेंगे। आप अपने गेस्ट के आगे इस तरीके से आप इसे सर्व कर सकते हैं। 1 piece भी डाल के आप इसे प्लेट में दे सकते हैं, लेकिन अभी हम सर्विंग ट्रे में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको इसे सर्व करना है। इसके ऊपर हम रबड़ी स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, रबड़ी ऐसे आप लगा दीजिए, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है व्यूअर्स। ईद पर आप अपने गेस्ट को खिलाइए। शीर कुरमा तो बनता ही है, शीर कुरमा तो खाते ही हैं, लेकिन जब आपके घर में दावा तो आपके घर में आप अपने गेस्ट को अपने दस्तरखान की शान बना सकते हैं ये डबल का मीठा की रेसिपी दिखाकर। ये देखिए, सबको टेस्ट कराइए। थोड़ा से हमें जिसमें ग्रीन पिस्ते डाले हैं उसको डेकोरेट किया है,
और इसको टेस्ट करके हम बताते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना है व्यूवर्स। तो इस ईद पर आप सबको डबल का मीठा की ये टेस्ट कराइए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और है कितनी ईजी व्यूवर्स, 10 मिनट में आप इसे बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और जब आपके मेहमान आप खाएंगे तो आपकी तारीफ़ें ही करते जाएंगे, और एक बार नहीं आप इसे बार बार बनाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप सबको एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी फ़ैमिली आप सब लोग खुश रहें, सेफ़ रहें, अपने घर में आबाद रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा व्यूवर्स। हैप्पी ईद टू ऑल माय व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।